तो फाइनली जी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ से हम शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि बाहर जो हम लोगों ने देखा है 2 दिन पहले उसको देख के तो मतलब फिर भी हम 2 दिन यहाँ रुके हुए हैं, जस्ट बिकॉज हमें अभी यहाँ पे कोई फ्लैट वगैरह या कहीं और घर सर्च करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फ्लैट तो सर्च नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधा किसी अच्छे से घर को देख के वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको ना अंदर से सारे के सारे जो यहाँ पे छतें खराब हो रखी हैं, सिर्फ वही की बात नहीं है कि वही वाला फ्लैट खराब था यहाँ पे, बाकी भी हमारे घर में भी यहाँ पे जो छतें खराब है वो भी आपको दिखाऊंगा साथ में। मतलब पक्का फाइनल है ना भी जाने का, है ना यहाँ से, बिल्कुल अब तो शिफ्ट करने का टाइम आ ही गया। क्योंकि ये सब देख के तो मतलब अब तो वैसे नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल दिल तो नहीं, क्या कर रहा है, डर। तो रुक नहीं रुक ही नहीं सकते बिल्कुल, अब तो हाँ, आज जाने का टाइम आ ही गया। तो मैं अभी आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि बाहर उस जो फ्लैट में इतना मलबा गिरा हुआ उसका अभी तक क्या हाल है, और उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि हमारे इस फ्लैट में कितनी दरारें पड़ी हुई हैं। तो सामने अभी तक कुछ भी बदला नहीं है, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मतलब वो मलबा अभी तक वैसे ही वैसा रूम में पड़ा हुआ है, और एक लेडी जो दबी हुई है मुझे नहीं लगता अभी तक वो निकाली भी गई है, तो मुश्किल है यहाँ पे। तो ये 7 के 7 फ्लोर जो है रात को रात को नहीं मतलब शाम को 6 बजे ये सारे के सारे नीचे गिरे थे। तो अभी पुलिस वगैरह यहाँ पे NDRF की टीम अभी तक बैठी हुई है, रात से ये यहीं पे हैं। देखिए जी, ये है हमारे फ्लैट की छत, ये हॉल की छत है, और देखिए कितनी यहाँ से कितना क्रैक है, और ये यहाँ तक जा रहा है, सारा सारा यहाँ तक जा रहा है। सेम मैं अगर आपको दूसरी तरफ से दिखाऊँ तो दूसरी तरफ भी देखिए कितने क्रैक्स हैं। पहले तो मैं ये सोचा था शायद ये क्रैक्स ही हैं, बट जब सामने बिल्डिंग गिरी है तो भाई हम लोगों में भी यहाँ पे थोड़ा डर ही लग रहा है कि क्या पता ये भी नीचे ना गिर जाए, कहीं हर तरफ से क्रैक्स पड़े हुए हैं। ये देखिए टाइल्स, टाइल्स की हालत देखिए आप, जब इन पे चलते हैं तो आवाज करती है, देखिए टाइल्स भी यहाँ पे सब टूटी पड़ी हैं। इस रूम में देखिए आप क्या हालत है फ्लैट की, देखिए तो ये जी एंट्री गेट है, और एंट्री गेट गेट पे आते ही आप यहाँ पे दरारें देखिए, सबसे पहले तो ये दरारें पड़ी हुई देखिए एंट्री गेट पे, सीधा जैसे हम एंट्री करते हैं इतनी मोटी मोटी दरारें हैं, तो इसको भी देख के लगता है कि कभी भी ये गिर सकती हैं। ये देखिए सारा का सारा फ्लैट जो है इसी तरह दरारों से भरा हुआ है। तो जी ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग भी मतलब ऐसे सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपकी दीवारें वगैरह थोड़ी ख़राब हैं, तो भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।